जिस चीन को अपनी काबिलियत पर घमंड था, उस चीन को एक बार फिर कोरोना वायरस ने लौटकर चीनी दिमाग को ठिकाने लगा दिया और चीनी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों में वापस लौटे कोरोना वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। चीनी विशेषज्ञों की माने तो वापस लौटा कोरोना अब ज्यादा खतरनाक हो गया है। वापस लौटा कोरोना वायरस का लक्षण किसी भी मनुष्य के शरीर में दिखता ही नहीं, मतलब ये कि ये खतरनाक वायरस जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो इसके लक्षण दिखते ही नहीं। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना ठीक हो चुके मरीजों से दोबारा वापस होकर खतरनाक हो गया है। चीनी मीडिया की माने तो अब तक नए कोरोना वायरस से 1500 से ज्यादा लोगों को संक्रमण हो गया है। मुश्किल ये है कि अभी पहले ही कोरोना के इलाज नहीं ढूंढे गए तब तक दूसरा खतरनाक वायरस आ धमका है। पहले का लक्षण तो सर्दी खांसी बुखार है, लेकिन वापस लौटे कोरोना वायरस का कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा, इसलिए चीनी डॉक्टरों ने इस कोरोना को सिम्टोमैटिक नाम दिया है। लेकिन जैसे ही कोरोना के सिम्टोमैटिक मामले सामने आए हैं, चीन के होश उड़ गए। इसके साथ ही साथ नए कोरोना वायरस से दुनिया के देश सदमे में है। इसके साथ ही साथ भारत जैसे देश जहां पर कोरोना वायरस का टेस्ट ही नहीं हो पा रहा, वहां अगर ये खतरनाक वायरस आ गया तो क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं। इसके साथ ही चीन के शहर वुहान से निकला कोरोना वायरस का कहर दिख रहा है और कोई भी देश इस वायरस से लड़ नहीं पा रहा, और अगर वहां ठीक होने के बाद खतरनाक होकर कोरोना दोबारा लौटा तो आप सोच सकते हैं कि धरती पर अस्तित्व का ही खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि इस खतरनाक वायरस के लक्षण ही नहीं है। अब देखना होगा कि आगे इसका क्या असर होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस नए वायरस ने दुनिया के देशों के माथे पर पसीना ला दिया है।